नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। वंदे भारत में आप सभी का स्वागत है। 57 लोकसभा सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 40% की वोटिंग की गई है। आज 7वें और अंतिम चरण के लिए 8 राज्यों की 57 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। चेन्नई से मुंबई जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान की जांच लगातार जारी। क्रू मेंबर को फ्लाइट में एक नोट मिला जिसमें लिखा था, डू नॉट लैंड बॉम्बे, यू लैंड बॉम्ब ब्लास्ट। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान जारी। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटर्स से अपील की। उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा और महिला मतदाता वोट डालने के लिए रिकॉर्ड संख्या में आगे आएंगे। आइए मिलकर अपने लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाएं। आखिरी चरण के चुनाव में कई दिग्गज मैदान में पीएम मोदी, अनुराग ठाकुर, कंगना रनौत समेत रवि किशन इसमें शामिल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वोट डालने के बाद कहा, सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता अपने मतदान का इस्तेमाल करें, प्रजातंत्र को मजबूत बनाएं, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक चाय की दुकान पर स्थानीय लोगों से बातचीत की। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डाला वोट, बोले 4 जून को बीजेपी सरकार प्रचंड बहुमत से वापस आएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें देशभर से समर्थन मिल रहा है। पिछले 2.5 महीने से जो देश के अंदर आमजन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कई दलों ने अपने अपने मुद्दे रखे और अपनी सरकार के कामकाज को रखा, मतदाताओं के उत्साह को लेकर सीएम योगी ने जताया आभार। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में डाला वोट, कहा आज हमने मतदान किया है, सभी लोगों को मतदान करना चाहिए, विकास करने वाली सरकार आए इसके लिए सभी को मतदान करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। केंद्रीय मंत्री और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने कहा, चुनाव केंद्र पर भारी उत्साह है। ये उत्साह दिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोग फिर एक बार अच्छी सरकार को चुनने के लिए वोट कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी के सरकाघाट में मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने मतदान किया। कंगना रनौत ने कहा, मेरी सभी से अपील है कि लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मोदी जी की लहर पूरे हिमाचल प्रदेश में है, पीएम मोदी का लोहा पूरा देश और प्रदेश मानता है, मुझे अवश्य यहां से आशीर्वाद मिलेगा। पटना साहिब लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने डाला वोट, उनकी पत्नी ने भी किया मतदान। भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में, बिहार में और पटना साहिब में बहुत निर्णायक विजय होने जा रही है। 4 जून को 4 सुपार और जनता के आशीर्वाद से पटना साहिब 4 लाख पार। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और सारण लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने किया मतदान। आरजेडी नेता तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने पटना के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। मतदान केंद्र पर दोनों भाई साथ साथ नजर आए।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, मैं लोगों से अपील करूंगा कि घर से निकलें और जो लोग संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं उन्हें वोट का चोट देने का काम। तेजस्वी यादव ने कहा, पीएम मोदी का कोई ध्यान नहीं, उनका फोटोशूट चल रहा है, फोटोशूट खत्म हो जाएगा उसके बाद वो वापस आ जाएंगे, बिहार चौंकाने वाले नतीजे दे रहा है, हम 300 पार हो रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गया लोकसभा सीट से हम के उम्मीदवार जीतन राम मांझी ने किया मतदान, मांझी के बेटे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने भी डाला है वोट। जीतन राम मांझी ने कहा, जनतंत्र में मतदान बहुत बड़ा पर्व होता है, सभी को अपने अधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए, मैंने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बेलगाचिया में भाजपा नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने वोट डाला, कहा, वोट देना मेरा फर्ज था, मैंने 40 मिनट तक लाइन में खड़ा होकर वोट दिया है, मेरा राजनीतिक कर्तव्य मैंने पूरा किया। संगरूर में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपनी पत्नी के साथ लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में मतदान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बलिया में डाला वोट, कहा, घर से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए मतदान करें, नौकरी के लिए बाबा साहेब ने जो शक्ति आपको दी है उस मताधिकार का इस्तेमाल करें। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दक्षिण कोलकाता लोकसभा सीट से सीपीआईएम उम्मीदवार सायरा शाह हलीम ने अपना वोट डाला है। सायरा शाह ने कहा, ममता बनर्जी यहां हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं, जनता इसका जवाब देगी, हम तुरंत चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे, जनता हमारे साथ है, जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। पंजाब के लखनऊ में आप नेता राघव चड्ढा ने किया मतदान, कहा, देशवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी, मैं आज विनती करता हूं कि वोट जरूर डालें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गिर सोमनाथ स्थित सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। हाजीपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया, बिहार की 40 की 40 सीटें जीतेंगे, पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक आज, चुनावी प्रदर्शन पर होगी चर्चा। बिहार के सासाराम में आखिरी चरण में मतदान शुरू, एसडीएम राकेश कुमार सिंह ने किया पहला मतदान, मतदान को लेकर जिला प्रशासन का नारा, पहले मतदान फिर जलपान, एसडीएम ने लोगों से अपील की, कहा, सभी अपने घरों से निकले मतदान जरूर करें। बिहार के पाटलिपुत्र में मतदान केंद्र पर वोटर्स की लंबी कतार देखने को मिली, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान लगातार जारी। यूपी के मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किया मतदान, कहा, देश के विकास के लिए ये मतदान हो रहा है, देशवासियों और मिर्जापुर के लोगों से अपील है कि अपने वोट का उपयोग करें, पहले मतदान फिर जलपान। छत्तीसगढ़ के आईआईएम रायपुर में दो दिवसीय चिंतन शिविर का शुभारंभ, सीएम विष्णुदेव साय समेत मंत्रिमंडल के सदस्य हुए शामिल, सीएम विष्णुदेव साय ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ योगाभ्यास किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिला प्रशासन ने मतगणना को लेकर पूरी की तैयारियां, पहली बार ईवीएम को स्ट्रांग रूम से मतगणना हॉल तक ले जाने के लिए कलर थीम का उपयोग किया गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में चुनाव आयोग ने की अनोखी पहल, इस पहल में कुछ रोगियों के मतदान के लिए विशेष प्रावधान किया गया, इसमें रोगियों के लिए लेप्रोसी हॉस्पिटल शिमला में ही उनके लिए करवाए गए मतदान। पुणे के पोस्ट कांड में आया बड़ा अपडेट, नाबालिग आरोपी की मां को क्राइम ब्रांच ने हिरासत में लिया, पूछताछ लगातार जारी है।
महीने के पहले दिन महंगाई के मोर्चे पर मिली बड़ी राहत। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 72 रुपए की कटौती की है। 19 किलो का कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 1 जून से दिल्ली में 69.50 रुपए, कोलकाता में 72 रुपए, मुंबई में 69.50 रुपए और चेन्नई में 70.50 रुपए तक सस्ता हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सीआर ने मासूम बच्चों पर हमला कर दिया। 6 बच्चे इसमें घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने वन विभाग को सूचना दी। यूपी के कन्नौज में भीषण गर्मी का कहर, तेज धमाकों के साथ फटा बिजली का ट्रांसफार्मर जलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मध्य प्रदेश के बीना में पानी की एक एक बूंद के लिए ग्रामीण मोहताज हैं। भरछा ग्राम पंचायत में एक बोर के भरोसे हैं लोग। 4 दिन में एक बार बस्ती में पहुंच रहा है पानी। उज्जैन में फायर एनओसी को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। राज्य शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों ने विशाल मेगामार्ट पर फायर सेफ्टी चेकिंग की तो आई कई कमियां सामने। एसडीएम के निर्देश पर मार्ट को सील किया गया। यूपी के मथुरा में रेप के आरोपी का एनकाउंटर, गिरफ्तार होने के 8 घंटे बाद पुलिस कस्टडी से हुआ था फरार। 17 घंटे बाद ढेर हुआ आरोपी से खोखा कारतूस और 32 बोर समेत एक बाइक भी बरामद। यूपी के हरदोई में किशोर हत्याकांड में पुलिस और आरोपी के बीच हुई मुठभेड़। एक आरोपी को मुठभेड़ में लगी गोली। पुलिस ने घायल समेत 4 नाबालिगों को गिरफ्तार किया। आरोपी से अवैध शस्त्र कारतूस समेत बाइक बरामद। राजस्थान के श्रीगंगानगर में देर रात गौशाला में लगी भीषण आग, लोगों में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। मंदसौर के एक इलाके में चलती ट्रेन में भीषण आग लग गई। आग के चलते कई ट्रेनें बाधित हो गई। आग लगने से लोगों में हड़कंप की स्थिति। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मामले की जांच में जुटे हैं रेलवे के अधिकारी। यूपी के फिरोजाबाद के शुकोहाबाद के मोहल्ला दर्जी गली से 1.5 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर लिया गया। परिजनों का आरोप है कि बच्ची के फूफा ने उसको गायब किया है। परिजनों ने फूफा को किया पुलिस के हवाले। यूपी के प्रयागराज जंक्शन पर बड़ा हादसा होते होते टला। ट्रेन पर चढ़ते समय महिला और पुरुष यात्री का पैर फिसल गया। मौके पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल के जवान ने बचाई महिला और पुरुष की जान। उत्तराखंड के देहरादून में टूटा 157 साल का पुराना रिकॉर्ड। 43.2 डिग्री तक पहुंचा तापमान। रेमल ने बढ़ाई है गर्मी। गर्मी से लोग हो गए हैं परेशान। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने कहा देहरादून में गर्मी ने अब तक के तोड़े सभी रिकॉर्ड। नतीजों से पहले टीएनपी न्यूज ला रहा सबसे सटीक एग्जिट पोल। किसकी बनेगी सरकार देखिए शाम 6 बजे से लगातार।